3, 2, 1। जी भाई, काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते हैं कि आयल ट्यूब में भाई जो आप काम करते हैं, आयल ट्यूब में जो आप दीवार कलर की बेस बनाते हैं, तो वो किस में, उसकी बेस क्या होती है, उसके मतलब क्या तरीकाकार होता है ऊपर पॉलिश का। तो आयल ट्यूब की जो बेस मैंने आपको बताई थी कि वो जो आयल ट्यूब की बेस होती है ना, वो आपने नीचे दीवार कलर का जो कोट लगाना होता है वाइट कलर मिक्स करके, वो आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब ये जो वीडियो बनाई है, ये ऊपर जो पॉलिश का काम है ना, उसके लिए मैंने बनाई है वीडियो। ये देख रहे हैं आप, ये 687 नंबर है, प्रो नंबर। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है आप दोस्तों के लिए कि आप दोस्तों को जानकारी हो सके। काफ़ी दोस्त मुझसे ये पूछते हैं कि भाई हमारी तरफ जो काम करते हैं वहाँ से ये चीज़ जो मटेरियल आप लगाते हैं काफ़ी नहीं मिलता, ठीक है ना भाई। ये जो मटेरियल होता है ना, ये तकरीबन हर जगह पर दस्तयाब होता है, ठीक है ना। ये ब्लू ब्रेड के हैं, ये जो जितने भी हैं ना मुकम्मल तौर पर पैकेट, ये ब्लू ब्रेड के हैं, ठीक है ना। ये देख रहे हैं, ये पीला टाली है, ठीक है ना, इसको पीला सियाना भी कहते हैं काफ़ी जगह पर। ये लाल है, ये ब्राउन है, यानी कि काला टाली भी कहते हैं इसे। ये पीला साइया है, ये देख रहे ना, फूल साइया, ठीक है ना। उसके बाद ये डाई है जिससे मैं काम करता हूँ, ये ब्रश वगैरह, ये कलमे वगैरह, ठीक है ना। ये ब्लैक ट्यूब जो है, ये ब्लैक मार्बल के लिए जो मैं बनाता हूँ, इसके लिए ये खुला साइया और ये मिक्स करके ब्लैक मार्बल, जो मैंने अमूमन आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी कि उसके अंदर जो मैंने गेट बनाया था वो मैंने ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक में मैंने बनाया था, ठीक है ना। और ये जो रेड है ना, ये रेड हम ये भी दीवार में इस्तेमाल करते हैं रेड, और ये 688 नंबर, ये देख रहे हैं आप 688 नंबर, और ये रेड है ये 302 नंबर, ठीक है ना। ये मैं इस्तेमाल करता हूँ मिक्स करके दीवार में, जो तेज शेड देनी होती है ना जो मैंने उसमें, ठीक है ना। बाकी 687 में हम ये पीला टाली डालते हैं, आप येलो ट्यूब भी डाल सकते हैं इसके अंदर 687 में। येलो यहाँ पर ये पैकेट नहीं मिलते, उसके अंदर आप येलो ट्यूब भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आप भाई ये देख रहे हो, आप अपना एक हर पॉलिशी करना अपना एक तरीकाकार होता है, तेज़ काम करना, कहीं पर तैयार लाइट कलर की बनानी होती है, कहीं पर यानी कि थोड़ी ब्राउन देनी होती है, डबल शेड में भी बनानी होती है, दूर से कलर और लगता है, नज़दीक आकर कलर और लगता है, इसको 2D कलर कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि पॉलिश में यही वैरायटी होती है, ये पेंट पॉलिश में जो कह रहे हैं मैं आपको, ये वुड पॉलिश नहीं, पेंट पॉलिश है, ठीक है ना।